पर पहले फिर पे मांगे एक कंपनी आ रही है फ्रूट में रहता है हमारे पास। आप लोग अपनी बात रखिए, कल आपने कहा कि हम मेमोरेंडम देंगे पीएम को, मेमोरेंडम देंगे ये बात ही। जो इशू सबका एक है, चाहे छात्र हो चाहे किसी का भी हो, मतलब सबका एक इशू है। हम लोग का 4 बजे था प्रोटेस्ट मार्च, मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया है अमूटा ने ऑन बिहाफ ऑफ टीचिंग कम्युनिटी एंड एमयू फ्रेटर्निटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया है। क्यों दिया है? प्रेसिडेंट फॉर सिटीज़न, चीफ जस्टिस कानून देखेंगे इसके अंदर, और प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट चला रहे हैं, इसलिए दिया हम लोग को। इसमें यह डिमांड हम लोगों ने की है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है सीएबी, इसके अंदर रिलीजियस कंपोनेंट हटा दें तो फिर डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा। जो आपके सामने है ना, किसने किया वो सब आपको सामने है, आप सब देख रहे हैं कि किसने किया है किसने नहीं किया है। आप लोग सुबह से मौजूद हैं यहाँ पर तो आप सब देख रहे हैं, आप वो सब व्यवस्था भी आप देख चुके हैं कि किस तरह की व्यवस्था हम देख कर रहे हैं और किस तरह की हमने व्यवस्था। परमिशन अगर कोई मांगेगा तो देंगे, जब मांगेगी नहीं तो नहीं, आज की कोई परमिशन नहीं। आप लोग जानते हैं राज्यसभा से सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है और उस बिल के अंदर मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि जो भी परसिक्यूशन होगा अफगानिस्तान में, रिलीजियस परसिक्यूशन के नाम पर जो बिल पास किया गया है उसमें सभी जातियों को शामिल किया गया है, सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया है, मगर उसमें पार्टिकुलरली एक खास कम्युनिटी को उससे अलग रखा गया है। पहली बात, ये जो प्रोटेस्ट है सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी और टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन दोनों का कंबाइंड प्रोटेस्ट था, जो कि हम लोगों ने जुमे के बाद आज जामे मस्जिद से लेके यूनिवर्सिटी सर्किल तक अपना प्रोटेस्ट और मेमोरेंडम डीएम को दिया है। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है, देखिए द बिल शुड नॉट फॉर प्रोसिक्यूशन इन द नेम ऑफ प्रोसिक्यूटेड। अगर आप प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, धार्मिक प्रताड़ना की बात कर रहे हैं, किसी के ऊपर जुल्म और नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, तो भारत का ये चरित्र रहा है कि उसने वासुदेव कुटुंबकम की नीति अपनाई है, उसने सभी लोगों को यहाँ पर स्पेस दिया है, पारसियों को भी यहाँ पर स्पेस दिया गया है। और हमारा ये हमारे संविधान में, जो कि हमारे संविधान की धारा 14, धारा 15, धारा 21, ये तीनों संविधान की बुनियादी धाराएं हैं जो ये कहती हैं कि इस देश में किसी के साथ भी धर्म के आधार पर किसी भी तरह का प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया है अभी दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, उसी को लेके बेसिकली स्टूडेंट्स का विरोध था। नमाज के बाद वो लोग काफ़ी भारी संख्या में इकट्ठे हुए थे और पहले से ही उनका कॉल था, दे हैड ट्राइड टू कॉल पीपल फ्रॉम एवरीवेयर, जमालपुर ऊपरकोट वगैरह सब जगह से बेसिकली उनका ये था कि नमाज के लिए लोग आए और उस समय इकट्ठा होकर हम अपना दे वॉन्टेड टू मार्च टू कलेक्ट्रेट। बेसिकली हमारा पर्पज़ ये था कि लॉन, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है और सेंसिटिव इशू है, तो हम ये चाह रहे थे कि जो भी प्रदर्शन हो, अपना विरोध हो, वो संवैधानिक तरीके से हो, कानून व्यवस्था बनी रहे। और उसी के लिए जो है काफ़ी हैवी फोर्स डिप्लॉय किया गया था वहाँ पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग्स की गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर भी और यूनिवर्सिटी सर्कल पर भी, और जो भी उनके एग्जिट्स थे उनको कवर किया गया था ताकि कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। तो स्टूडेंट्स आए थे, उनके स्टूडेंट लीडर्स थे और उसके अलावा उनके टीचर्स एसोसिएशन भी थी। इन्होंने जो है दे केम अप टू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और वहाँ पर जो है इन्होंने अपना ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौजूद थे, इन्होंने जो है अपना ज्ञापन दिया और उसके बाद जो है लड़के इवेंचुअली लौट गए। देखिए ये कल संज्ञान में आया था कि स्टूडेंट्स तो नहीं लेकिन कुछ लोग स्टूडेंट्स के साथ मिलके एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और डीएम कमिश्नर एसएसपी और मेरी तरफ से बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर उनको करना है वो प्रोटेस्ट करते रहें, लेकिन किसी भी हालत में कोई भी प्रोटेस्ट जनपद की सड़कों पर आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित करके कोई भी किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी से चाहे अदरवाइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आउटसाइड भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट मार्च निकालने की किसी को अनुमति नहीं है। और बाकी यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठ के उनको जो भी जिस तरह की डेलिब्रेशंस करनी है वो अपनी वो कर ही रहे हैं, लेकिन किसी तरह का प्रोटेस्ट मार्च जनपद के किसी भी एरिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं किया जाए।